Hello friend, this is Uttam Chaudhary. Welcome to my channel. And today we are going to discuss about anti-diabetic drug या hypoglycemic agent. अगर बात करें oral anti-diabetic drug की, तो those oral drug which is used to decrease the level of glucose in blood due to the diabetes mellitus, that is known as anti-diabetic drug. और अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी फोर डिवीज़न में ड्रग को डिवाइड किया गया है. सबसे पहली जो कैटेगरीज है वो इंसुलिन सेक्रेशन इन्हांसर. ऐसे ड्रग जो इंसुलिन इंसुलिन होता है वो हमारे बॉडी में उसकी सेक्रेशन को इन्हांस करता हो, ऐसे ड्रग. और वो दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके, दूसरा DPP इनहिबिटर. वो एक एंजाइम है, ठीक है. उस एंजाइम को अगर हम इनहिबिट करते हैं तो भी इंसुलिन सेक्रेट होगा, और अगर ATP जो सेंसिटिव पोटेशियम चैनल उसको ब्लॉक करते हैं फिर भी इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी से इन्हांस होगा. वो कैसे होगा तो चलिए हम लोग देखते हैं. सबसे पहले कैटेगरी को लेते हैं, सब कैटेगरी को लेते हैं. तो इस कैटेगरी में जो ड्रग रखी गई हैं वो तीन ड्रग हैं, जैसे कि ग्लिमेपराइड एंड टोलब्यूटामाइड एंड नाइट्रोग्लिसराइड. तो इन्हीं तीनों में से एक ड्रग लेते हैं, ग्लिमेपराइड ले लेते हैं. तो सबसे पहले इंसुलिन सेक्रेट कहाँ होगा? बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, वहाँ से इंसुलिन सेक्रेट होगा. तो एक सेल्स बनाना पड़ता है हमको. लो यहाँ पे एक सेल बना लेते हैं हम लोग. ये रहा सेल, और यहाँ ग्लूकोज जब सेल में एंटर करेगा, ग्लूकोज, ठीक है. अब ग्लूकोज सेल के अंदर अंदर करेगा तो जाहिर सी बात है सेल के अंदर माइटोकांड्रिया होगा, और ये माइटोकांड्रिया इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करके और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ATP और ADP, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट नामक एक एनर्जी बनाता है. और ये एनर्जी क्या करते हैं, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं. यहाँ पे पोटेशियम चैनल होता है, ठीक है. ये पोटेशियम चैनल पहले तो ओपन होता है, लेकिन जैसे ही ATP आता है ये हो जाता है ब्लॉक. ये नेचुरली ब्लॉक होता है. नेचुरली जाहिर सी बात, अगर हम दवा ना लें फिर भी हमारे बॉडी में इंसुलिन तो सेक्रेट होता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है ना. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली बाहर से अगर हम लोग ये ड्रग लेते हैं, क्या नाम, ग्लिमेपराइड या टोलब्यूटामाइड या नाइट्रोग्लिसराइड. तो एक ड्रग ले लेते हैं ग्लिमेपराइड, ग्लिमेपराइड ले लिए. अब ग्लिमेपराइड भी एक्शन यहाँ पे इस पोटेशियम चैनल पे इस प्रकार दिखाता है, ये पोटेशियम चैनल है, ठीक. पोटेशियम चैनल क्या हो गया, ब्लॉक. किसके प्रेजेंस में? ग्लिमेपराइड के प्रेजेंस में. जब ये पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अंदर जो सेल के अंदर पोटेशियम है वो सेल के बाहर नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी. जब किसी भी सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो वो सेल होता है डीपोलराइज. अब ये हो जाएगा डीपोलराइज, ठीक है. ये हो गया डीपोलराइज. और डीपोलराइज जब सेल ये हो डीपोलराइज होगा तो यहाँ पे होगा कैल्शियम चैनल, और ये कैल्शियम चैनल हो जाएगा ओपन. डीपोलराइज होने से ये कैल्शियम चैनल जब ओपन होगा तो बाहर से कैल्शियम अंदर आना चालू हो जाएगा. जितने सारे बाहर कैल्शियम होंगे वो सभी कैल्शियम मूव करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर, ठीक है. और यहाँ जब कैल्शियम की लेवल बढ़ता है, ठीक है, सेल के अंतर्गत, तो यहाँ पे एक होता है वेसिकल्स, और इस वेसिकल के अंतर्गत बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन भरे पड़े होते हैं. और ये इंसुलिन कैल्शियम के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो वॉल है, जो मेम्ब्रेन है, वो टूट जाता है और फ्यूज़न होता है. फ्यूज़न के थ्रू यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल हैं इंसुलिन के वो बाहर सेक्रेट होना चालू हो जाता है, ठीक है. ये मेम्ब्रेन टूटने लगता है कैल्शियम के प्रेजेंस में, ठीक है. अब यहाँ से इंसुलिन सेक्रेट होना चालू हो गया. तो आप लोग देखें कि ग्लूकोज आया, यहाँ माइटोकांड्रिया में क्या हुआ, मेटाबोलाइज हुआ,
ठीक है, और मेटाबोलाइज होने के बाद ये एटीपी और एडीपी में कन्वर्ट हुआ। अब एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम आयन है, चूँकि एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करना है, तो इस पोटेशियम चैनल को ये तो खुद एक तो नॉर्मल प्रोसेस होता है जिससे ब्लॉक होता है, जैसे थोड़ा बहुत इंसुलिन निकलता रहता है, हमारी जो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस है ये बीटा सेल है, ठीक है, पैनक्रियास की ये बीटा सेल है, पूरा एक सेल की बात की जा रही है यहाँ पे, सेलुलर लेवल का ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। तो अब ये पोटेशियम चैनल को एक तो ये ब्लॉक करता है एटीपी, दूसरा ये जो ग्लिमेपेराइड को अगर हम बाहर से दे रहे हैं तो ये ग्लिमेपेराइड क्या करता है, इस चैनल को ब्लॉक करेगा, और ब्लॉक करेगा तो जाहिर सी बात है ये जो पोटेशियम है ये बाहर नहीं जा पाएगा, चूँकि चैनल इसका ब्लॉक है, तो यहाँ पे पोटेशियम आयन बढ़ेंगे, और जब पॉजिटिव आयन बढ़ जाएंगे ज़्यादा तो सेल डीपोलराइज होता है, और जब सेल डीपोलराइज होता है तो यहाँ पे जो पोटेशियम यहाँ पे कैल्शियम चैनल होगा, कैल्शियम चैनल हो जाएगा ओपन, ठीक है। अब ये ओपन हुआ तो जाहिर सी बात है ये कंडक्शन इसका कैल्शियम का वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर होना चालू हो जाएगा, और जब कंडक्शन यहाँ पे बढ़ गया कैल्शियम चैनल का तो कैल्शियम की प्रेजेंस में ही, ठीक है, ये जो वेसिकल्स होते हैं जिसमें कि इंसुलिन मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं वो यहाँ से निकलना चालू होते हैं कैल्शियम के प्रेजेंस में। तो ये पूरा एक डायग्राम के माध्यम से हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझा, इसको थ्योरेटिकली लिख लेते हैं ऐसे ही, जैसे कि फर्स्ट जो स्टेप था वो ग्लिमेपेराइड था, तो ग्लिमेपेराइड लिए, और ये क्या करता है यहाँ पे पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है, ब्लॉक्ड पोटेशियम चैनल, ठीक है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक किया, और पोटेशियम चैनल जब ब्लॉक हुआ तो क्या हुआ, सेल डीपोलराइज हो गया, तो यहां पे लिखें सेल डीपोलराइज, ठीक है, और सेल डीपोलराइज हुआ तो क्या हुआ, जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो गया, तो ओपन कैल्शियम चैनल, ठीक है, और कैल्शियम चैनल ओपन हुआ तो क्या हुआ, इंक्रीज द कंडक्शन ऑफ क्लोराइड, इंक्रीज कंडक्शन ऑफ इंक्रीज द कंडक्शन ऑफ कैल्शियम, जब कैल्शियम चैनल यहां ओपन हो गया तो कैल्शियम के कंडक्शन बढ़ गया, तो इंक्रीज द कंडक्शन ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम जब कंडक्शन बढ़ गया तो क्या हुआ, कैल्शियम रिलीज इंसुलिन कहां से, फ्रॉम बीटा सेल, ठीक है, ये पूरी मैकेनिज्म एक्शन हुआ एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके। किस प्रकार से इंसुलिन को बढ़ाया जाता है, इस ग्लिमेपेराइड की ड्रग को देकर के, चाहे ग्लिमेपेराइड दें या नाटेग्लिनाइड दिया या टोलब्यूटामाइड, तो ये जितने भी ड्रग हैं, टोलब्यूटामाइड है, नाटेग्लिनाइड है या ग्लिमेपेराइड है, एक ही कैटेगरी के ड्रग हैं, और ये क्या करता है, पोटेशियम सेंसिटिव एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ाता है, जैसे कि ये कैटेगरी ही है इंसुलिन सेक्रेशन इन्हांसर, ठीक है। और डीपीपी फोर इनहिबिटर की बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे इसकी जो दूसरी सब कैटेगरी है, इंसुलिन दूसरे मेथड से कैसे सेक्रेट किया जा सकता था, कैसे सेक्रेट किया जा सकता है, जो डाई पेप्टाइडिल पेप्टाइडेज फोर एंजाइम है, ये एक एंजाइम होता है, ठीक है, और इस एंजाइम को इनहिबिट करके इंसुलिन को कैसे सेक्रेट किया जा सकता है, ये देखो कैसे। सबसे पहले जब हम भोजन को इंजेस्ट करते हैं, मतलब किसी भी फूड को निगलते हैं, तो वो गट से
रिलीज होता है जीएलपी फर्स्ट एंड जीआईपी यानी कि ग्लूकागोन लाइक फास्फेट फर्स्ट, ये जीआईपी मतलब ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पॉलीपेप्टाइड, ये और ग्लूकागोन लाइक फास्फेट ये दोनों को जो डीपीपी है मतलब कि डाई पेप्टाइडिल पेप्टाइडेज ये एक एंजाइम है जैसा कि हमने यही बताया, तो ये इसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इन दोनों को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर हम इसी को इनहिबिट कर दें, इसी एंजाइम को इनहिबिट कर दें, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, ये एक्टिव ही रहेगा, ठीक है, इनएक्टिव नहीं होगा अगर हम इसे ही खुद इस एंजाइम को ही इनएक्टिव कर दें। कैसे, यहाँ पे हम ड्रग दे सकते हैं इसको इनएक्टिव करने के लिए, जैसे कि लेते हैं सीटाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन या एलोग्लिप्टिन, या फिर सक्साग्लिप्टिन। तो ऐसे कोई अगर ड्रग देते हैं तो ये जो DPP4 एंजाइम है इसको इनहिबिट कर देगा, जब ये इनहिबिट कर देगा तो ये जो गट से रिलीज होने वाले दो प्रोडक्ट हैं जैसे कि ग्लूकागोन लाइक फॉस्फेट, ये यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है वहाँ, ये पूरी जितनी भी प्रोसेस चल रही है ये पैनक्रियास के अंदर जो लैंगरहैंस की बीटा सेल होती है ये वहाँ पे चल रहा है, हालांकि ये जो है ये अल्फा सेल पे मतलब टोटल पैनक्रियास पे ही वर्क हो रहा है जितने भी ड्रग अभी तक के लिए बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये जो एडेनिलिन साइक्लेज है ये है एडेनिलिन साइक्लेज, ये एडेनिलिन साइक्लेज है, ये स्टिमुलेट करता है, ये एक रिसेप्टर है, इस पर ये दोनों चीज़ यहाँ आकर के बाइंड करेगा और थ्रू साइक्लिक अमीनो मोनोफॉस्फेट क्या करता है, जो बीटा सेल है वो सेल को यहाँ इंक्रीज द इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल, यहाँ बीटा सेल पे ये चीज़ एक्ट करके और बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रेशन जो है वो बढ़ा देगा, जब इंसुलिन की सेक्रेशन बढ़ा देगा तो उस टाइम पे ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है इंसुलिन की लेवल बढ़ेगी तो ग्लूकोज का लेवल कम होगा। और यहाँ इसकी दूसरी एक फंक्शन और भी है कि ये अल्फा सेल पे भी काम करता है और बीटा सेल पे काम करेगा तो इंसुलिन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वहीं अगर ये अल्फा सेल पे काम करता है, ठीक है, ये चीज़ें, ये एक तो यहाँ वर्क किया, दूसरी चीज़ यहाँ जो अल्फा सेल पे काम कर रहा है तो वहाँ पे सप्रेस कर रहा है अल्फा सेल को और डिक्रीज द सेक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन, ये जो ग्लूकागोन होता है, देखो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो पैनक्रियास है ना वहाँ तीन तरह की हार्मोन्स निकलती हैं, जो डायबिटीज़ में या शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तीन चीज़ ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन। देखो ये जो अल्फा सेल है ये बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन और अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन, ठीक है, और डेल्टा सेल से निकलता है सोमैटोस्टैटिन, जो दोनों की लेवल को बैलेंस करता है, जैसे इंसुलिन निकल रहा है तो वो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और वहीं अगर ग्लूकागोन निकल रहा है तो वो इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को अप करता है ग्लूकागोन। तो दोनों इन दोनों हार्मोन्स की जो इक्वालिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो सोमैटोस्टैटिन होता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन सिर्फ इसीलिए निकलता है कि वो हार्मोन्स इन दोनों के लेवल को मेंटेन करने के, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए डेवलप होता है, वो वहाँ पर सेक्रेट होता है इन दोनों को इक्विलिब्रियम स्टेट में बनाए रखने के लिए। तो ग्लूकागोन जो है सप्रेस करता है, सॉरी ये जो चीज़ इसको अल्फा सेल को डिप्रेस करने के बाद डिक्रीज कर देगा रिलीज ऑफ ग्लूकागोन, जब ग्लूकागोन के सेक्रेशन को कम कर देगा तो ग्लूकोज की लेवल बढ़ेगा नहीं, और जब ग्लूकोज की लेवल नहीं बढ़ेगा तो ग्लूकोज अपने आप कम होगा। तो दो तरीके से, अगर बीटा सेल पे ये काम कर रहा है तो इंसुलिन को बढ़ाएगा और अल्फा सेल पे काम करता है तो
ये ग्लूकागोन को डिक्रीज करेगा, चाहे इंसुलिन को बढ़ाए तब भी ग्लूकोज की लेवल कम होगा, या ग्लूकागोन को ही कम कर दे तो ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा फिर भी, तो फाइनली रिजल्ट निकल के आएगा कि जो ग्लूकोज का लेवल हो जाएगा कम। तो इस प्रकार से ये इस कैटेगरी की ड्रग एक्ट करती हैं, DPP-4 इनहिबिटर। और DPP क्या है, ये है डाई पेप्टाइडेज, ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम को अगर हम इनहिबिट कर देते हैं तो फिर ये अपना एक्शन दिखाता है, अदरवाइज ये एंजाइम इसको यहीं इनहिबिट कर देता है, लेकिन ये ड्रग दे करके हम इसीलिए लोग इसी को ही इनहिबिट कर देते हैं, फिर ये ड्रग अपना अपना ये जो प्रोसेस है वो होता रहता है हमारी बॉडी में और इंसुलिन को सेक्रेट कर देता है। तो मिला जुला हम लोग इंसुलिन सेक्रेशन इन्हांसर के बारे में पूरी तरीके से जान लिया, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन इसकी जो सेकेंड कैटेगरी है इसकी, और इसका हम लोगों ने आगे देख ही लिया है। अब इसकी जो सेकेंड वाली पोजिशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जो इसकी ड्रग एंटी डायबिटिक ड्रग की जो सेकेंड कैटेगरी है वो ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करने के लिए जो ड्रग दी जाती हैं वो बिगवानाइड है और थायाजोलिडीन डाइओन है। तो बिगवानाइड में आता है एक ड्रग मेटफॉर्मिन, जिसे बोलते हैं मेटफॉर्मिन, ये मेटफॉर्मिन एंड थायाजोलिडीन डाइओन है वो पियोग्लिटाजोन, दैट इज सेकेंड ड्रग, ठीक है। और इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखा जाए, बिगवानाइड का और थायाजोलिडीन डाइओन का, तो दोनों का लगभग बिल्कुल एक ही है, तो इसलिए इन दोनों कैटेगरी का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल सेम है, तो एक ही साथ लिख लिए हैं उन दोनों का क्लासिफिकेशन हम लोग। और अब देखते हैं जो बिगवानाइड है या थायाजोलिडीन, ये अपने एक्शन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, लेकिन ये इंसुलिन को सेक्रेट नहीं करता है बॉडी में, ध्यान रहे ये चीज़। तो अब देखिए इसकी फर्स्ट फंक्शन जो है वो सप्रेस द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को सप्रेस करता है और ग्लूकोज आउटपुट फ्रॉम द लीवर, क्या करेगा, सप्रेस करेगा ग्लूकोज आउटपुट का लीवर से और ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को वो सप्रेस करेगा, दो प्रोसेस को। दोनों प्रोसेस क्या है, एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या चीज़ है, ये एक टर्म होता है ग्लूकोनियो और जेनेसिस, किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। मतलब कि अगर प्रोटीन है, लिपिड है, उससे ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, जैसे बहुत से लोग व्रत रखते हैं, 2 दिन 10 दिन 5 दिन जितनी भी जिसकी कैपेसिटी होती है वो व्रत रखते हैं, तो व्रत के टाइम पे वो अगर वो मीठा भी नहीं लेते हैं या कोई ऐसा ग्लूकोज नहीं लेते हैं फिर भी उनको एनर्जी मिलती रहती है। वो कैसे मिलती है, एक तो दो तीन तरीके से मिलती है, एक ग्लूकोज जब हमारे ब्लड लेवल में ज़्यादा होता है तो ग्लूकोज एज अ ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर हो जाता है, ठीक है, और वो ग्लाइकोजन की जब ग्लूकोज एज अ ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर में तो उस प्रोसेस को ग्लूकोजिनोसिस कहते हैं। ग्लाइकोजन एज अ ग्लूकोज में फिर से टूटना हो, जो स्टोर हुआ है लीवर में एज अ ग्लाइकोजन, अगर वो फिर से हो रहा है तो ग्लूकोजिनोलाइसिस बोलते हैं उसे, ठीक है। लेकिन अगर किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, जैसे वो जो ग्लूकोज है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना, वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है, लेकिन अगर प्रोटीन और लिपिड से कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो रहा है या ग्लूकोज में चेंज हो रहा है तो वो प्रोसेस कहलाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोज आउटपुट फ्रॉम द लीवर, चाहे वो लीवर से डायरेक्ट ग्लूकोज आए या फिर ग्लाइकोजन ही एज अ ग्लूकोज वहाँ से निकले लीवर से, उसकी आउटपुट को सप्रेस करेगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को सप्रेस करेगा, इन दो प्रोसेस को, ये चीज़ मेटफॉर्मिन और पियोग्लिटाजोन। दूसरी फंक्शन क्या है इसका, रिड्यूस लाइपोजेनेसिस इन एडिपोज टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू मतलब कि जो टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू के बने होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू मतलब फैटी टिश्यू, वो फैटी टिश्यू एडिपोज टिश्यू में लिपिड की जो, अगर लिपिड वहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है लिपिड का, ठीक है, वहाँ पे डिपोजाइट हो रही है, तो उस प्रोसेस को लिपोजेनेसिस कहते हैं।
ध्यान रहे, अगर एसिस कहीं लगा हुआ है, चाहे वो ये लगा हुआ है या ये यहाँ पे, या लीवर में ग्लूकोज एज अ ग्लाइकोजन स्टोर हो, ठीक है, ग्लूकोजिनेसिस, तो एसिस का मतलब होता है कि वहाँ पे इकट्ठा होना, कोई भी चीज़ इकट्ठा हो रहा है, और लाइसिस मतलब कि टूट रहा है। अगर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट रहा है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं, और लाइसिस का मतलब जो ग्लाइकोजन है वो टूट रहा है एज अ ग्लूकोज में, तो लाइसिस मतलब टूटना। तो यहाँ पे लिपिड का जो जमना है, कहाँ पे इकट्ठा होना, एडिपोज टिश्यू में, ये रिड्यूस होता है। और इनहांस फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, जो फैटी एसिड है उसका ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है ये चीज़, मेटफॉर्मिन और पियोग्लिटाजोन। तीसरा फंक्शन क्या है, इंटरफेयर विद माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशनल चेन, जो रेस्पिरेशनल चेन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के, देखो बॉडी में पूरे हर एक सेल है और हर एक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, और ऑक्सीजन लेता है और ग्लूकोज लेता है और मेटाबोलाइट करके वहाँ पे एटीपी और एडीपी एनर्जी फॉर्म करता है। तो वो एनर्जी अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर दे ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया, तो भी ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा हमारी बॉडी से, मोस्ट ऑफ द चांसेस बनते हैं। तो इसीलिए ये क्या करता है, इंटरफेयर विद माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन चैन एंड प्रमोट द पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, जो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ा देता है। दूसरी चीज़ आल्सो रिटार्ड, और ये इसका एक एक्स्ट्रा फंक्शन है कि ये ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन से रिटार्ड करता है, कम करता है, लेकिन इसके लिए एक अलग ड्रग है, अलग कैटेगरीज हैं जो थर्ड कैटेगरी में पाई जाएंगी, लेकिन इसकी जो बाई फंक्शन है वो ये भी है, ठीक है। अब देखिए, हमने फर्स्ट और सेकंड ड्रग, जो इन दोनों कैटेगरी के जो ड्रग थे उनकी क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन हम लोगों ने देख लिया। अब थर्ड का देखते हैं, ये क्या करता है, ये रिटार्ड द कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, ये कार्बोहाइड्रेट को ही इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होने देता है ये ड्रग। ये जो ऐसे एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हों और एब्जॉर्ब करके ये ब्लड में भेजने का काम करते हैं, मतलब जब ये कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म, अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और हम बाय द फूड या बाय द बीवरेज अगर उसको ले रहे हैं, तो वो ऐसे ही डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकता है, उसे पहले मेटाबोलाइज होना पड़ेगा और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में टूटेगा, फिर वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाएगा, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा। तो अगर हम इसको इनहिबिट कर दें एब्जॉर्प्शन को ही ग्लूकोज के, तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो अल्फा ग्लाइकोसाइडेज है, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज ये एक एंजाइम है, और इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें, ठीक है, जैसे कि इसको इनहिबिट करने के बाद, तो मोड ऑफ एक्शन में इसमें दो ड्रग, इस कैटेगरी में दो ड्रग रखे जाते हैं, अकार्बोज और मिगली टॉल, अकार्बोज एंड मिगली टॉल, मिगली टॉल, ये दो ड्रग हैं। अब ये दो ड्रग इस कैटेगरी के ड्रग हैं, और ये किस प्रकार से अपना एक्शन शो करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये दोनों ड्रग सबसे पहले क्या करेगा कि ये जो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है उसी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा या इसे ही बर्बाद कर देगा। तो अब यहाँ देखो अल्फा अल्फा ग्लाइकोसाइडेज है ना, ये एक एंजाइम है, अगर अल्फा ग्लाइकोसाइडेज हम अकार्बोज या मिग्लिटॉल दे करके इसे हम डिस्ट्रॉय कर दें, इसे इनएक्टिव कर दें, तो क्या होगा, तो जो डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म यहाँ डिक्रीज हो गई। तो जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ
ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन ही इन इंटेस्टाइन, इन इंटेस्टाइन ठीक है। अब देखो हम लोग ड्रग देते हैं किस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का, थर्ड कैटेगरी का अगर ड्रग देते हैं तो रिटार्ड करता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को, किस प्रकार से करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन यहीं पे देख लेते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये दोनों ड्रग जो अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है ये ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है, अब इसी को ही डिक्रीज करता है। भाई जब एंजाइम ही नहीं रहेगा तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये मेटाबोलाइट कैसे होगा, और जब मेटाबोलाइट नहीं होगा तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन जब नहीं होगा तो जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें ग्लूकोज का लेवल ही नहीं बढ़ेगा। तो ये इस प्रकार से डायबिटीज़ मेलाइटस में काम करता है। देखो सबसे पहले क्या है ना, जब स्टार्च होता है ना वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्च की कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेते हैं तो वो ओलिगोसैक्राइड के फॉर्म में होता है, और वो होता है टेट्रासैक्राइड, डाईसैक्राइड, मोनोसैक्राइड, वो टूटता रहता है। तो जब मोनोसैक्राइड में जब तक नहीं बदलेगा तब तक वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ओलिगोसैक्राइड से या स्टार्च से मोनोसैक्राइड में तब टूटेगा जब ये अल्फा ग्लाइकोसाइड एंजाइम काम करेगा, और जब ये काम ही नहीं करेगा तो होगा क्या कि वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होना है ओलिगोसैक्राइड से मोनोसैक्राइड में टूटना है वो टूटेगा ही नहीं, जब टूटेगा नहीं तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, और किसी भी कोई भी फूड का या बेवरेज का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमारा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है बिना उसे एक एब्जॉर्बल फॉर्म में टूटे या बिना डाइजेस्ट हुए ठीक है। तो ये इस प्रकार से वर्क करता है। अब हम लोग लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं, तो फोर्थ जो मिसलेनियस ड्रग है, फोर्थ में मिसलेनियस कैटेगरी को दो सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एक डोपामिन एगोनिस्ट और दूसरा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर। देखो इसमें दो ड्रग आते हैं, एक तो डापाग्लिफोसिन एंड कैनाग्लिफोसिन, अगर इन दोनों ड्रग को हम देते हैं, अब ये दो ड्रग डापाग्लिफोसिन और कैनाग्लिफोसिन ये दोनों ड्रग क्या करता है, डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एट द पैराक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल यानी कि PCT ठीक है, पैराक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पे ग्लूकोज का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसे डिक्रीज कर देता है कौन से दो ड्रग, और फिर फाइनली क्या हो जाता है, डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड ठीक है। तो यहां पे डिक्रीज द लेवल ऑफ डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड अब देखो ये डापाग्लिफोसिन या फिर कैनाग्लिफोसिन जब ड्रग दी जाती है तो ये डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एट द PCT। जैसे मान लो ये वुमेन्स कैप्सूल है और यहाँ पे अफ्रंट आर्टरी आ रही है, ये फ्रंट, यहाँ ये आ गया, इसे PCT बोलते हैं, पैराक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल लूप ऑफ हेनले एंड यहाँ पे जो है DCT और कलेक्टिंग डक्ट वगैरह वगैरह। तो मेरा बताने का मोटो यही है, इसका बनाने का मोटो ये है कि जो PCT है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो ग्लूकोज होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, फिर से रीअब्जॉर्ब होता है कहाँ, ब्लड में, और जो यूरिन होता है वो पास आउट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये रीअब्जॉर्प्शन हो रही है इसी को रोक देता है ये ड्रग,
जब रीअब्जॉर्प्शन को रोक देगा तो मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज जो है ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा फ्रॉम द बॉडी टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर ग्लूकोज थ्रू यूरिन बाहर आ रहा है तो उस कंडीशन को वैसे ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। तो अगर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं या फिर उस समय कोई टेस्टिंग होती है तो यूरिन में शुगर की मात्रा मिलेगी जब आप डापाग्लिफोजिन या कैनाग्लिफोजिन ड्रग देंगे, क्योंकि ये रीअब्जॉर्प्शन को ही क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। और जब यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, ब्लड में नहीं जाएगा, मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज जो ब्लड में रहेगा वो थ्रू यूरिन बाहर हो जाएगा, तो डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड, क्योंकि ब्लड में फिर से रीअब्जॉर्ब होकर के जाएगा नहीं, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो सोडियम एंड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर है वो पीसीटी पे रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करता है। अब डोपामिन एगोनिस्ट भी यही, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये तो है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर। ठीक है, ये मिसलेनियस का फर्स्ट सब कैटेगरीज हैं एंड ये सेकेंड सब कैटेगरीज है। तो डोपामिन एगोनिस्ट मतलब अगर हम ऐसे ड्रग जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं तो ये क्या करता है, थ्रू हाइपोथैलेमस वो जो पिट्यूटरी की तीन हार्मोन जो कि इंसुलिन की फंक्शन में रेजिस्टेंस कॉज करता है तो उसको ओवरकम करने के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन दिया जाता है। ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन और एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इन तीनों हार्मोन की जो है रिलीज़ को कम कर देता है, वहाँ से कम रिलीज़ होगा तो जो इंसुलिन है वो अपना फंक्शन प्रॉपर वे में दिखाएगा, क्योंकि ये तीनों हार्मोन इंसुलिन को अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में कहीं रेजिस्टेंस कॉज करता है, ये इंसुलिन के फंक्शन को करने में, तो इसलिए इंसुलिन प्रॉपर वे में अपना फंक्शन नहीं दिखा पाता है। और ये रही पूरे तरीके से इसकी जो लास्ट मिसलेनियस कैटेगरी की जो ड्रग हैं वो किस प्रकार से अपना एक्शन शो करती हैं। तो होप सो ये पूरे वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझा पाया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट वेल आइकन टू गेट माई ऑल नोटिफिकेशन एट द राइट टाइम। थैंक यू।